वो यात्रा जिसने सियासी गलियारों में चर्चाएं छोड़ दी, वो धार्मिक यात्रा जिसने प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सत्ता में वापसी करवाई और भाजपा के पक्ष में जबरदस्त माहौल बना दिया था, भाजपा को बम्पर परिणाम दिए थे और कांग्रेस सरकार को हटाकर अपना राज स्थापित कर दिया था, परिवर्तन यात्रा जो एक बार फिर से परिवर्तन संकल्प यात्रा के नाम से निकाली गई, जिसका कारण है धार्मिक स्थानों से प्रदेश के करोड़ों लोगों का जुड़ाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज, मैं सिद्धिका मनोहर सोनी आपके साथ। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के उद्देश्य से शुरू हुई बीजेपी की परिवर्तन यात्रा क्या पूर्वी राजस्थान में सफल हो पाएगी, इस पर संशय बना हुआ है। वजह है पूर्वी राजस्थान में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ERCP का मुद्दा। पूर्वी राजस्थान सहित प्रदेश के 13 जिलों के लोगों के पीने और सिंचाई के पानी के लिए यह योजना है। कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार से ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग कर रही है, वही बीजेपी इस मुद्दे पर सीधे तौर पर कुछ भी बोलने से बचती हुई नजर आ रही थी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या है ERCP। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की योजना है। इस योजना के जरिए पार्वती, काली सिंधी और चंबल नदियों को जोड़ने का प्लान बनाया गया था। इस प्रोजेक्ट के जरिए राजस्थान के पूर्वी हिस्से के 13 जिलों को लाभ पहुंचाने का प्लान इस योजना में था। जिन जिलों को इसका लाभ मिलेगा उनके नाम है अलवर, दौसा, जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर, करौली है। इस प्रोजेक्ट के जरिए इन जिलों में पीने के पानी और 2,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के पानी की जरूरत पूरी होती रहेगी। लेकिन आपको बता दें, अभी तक बीजेपी ERCP के मुद्दे पर सार्वजनिक मंच से कुछ भी बोलने से बच रही थी। पहली परिवर्तन यात्रा के शुभारंभ के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने खुलकर ERCP के मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि ERCP को जमीन पर लाने के लिए उनकी सरकार ने 25 अगस्त 2005 को मध्य प्रदेश के साथ नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर समझौता किया। दुर्भाग्य से गहलोत सरकार आ गई और ERCP ठंडे बस्ते में डाल दी गई। दोबारा हमारी सरकार आई तो हमने DPR बनाकर इसका काम आगे बढ़ाया। साल 2017 से 18 और साल 2018 से 19 में बजट घोषणा कर नवनेरा बेराज और ईसरदा बांध का काम शुरू किया। कांग्रेस सरकार ने ERCP को पूरा करने के लिए 4.5 साल में कोई गंभीर प्रयास नहीं किया, इसीलिए 13 जिलों की जनता प्यासी रही। हालांकि वसुंधरा राजे के अलावा JP नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने अपने भाषण में ERCP का जिक्र भी नहीं किया। वही ठीक 2 दिन बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ERCP के मुद्दे को हवा दी और कहा केंद्र सरकार ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को बंद करना चाहती है, लेकिन हम इसे किसी भी हाल में बंद नहीं होने देंगे। हमारी जिद है कि ये परियोजना धरातल पर अवश्य उतरेगी। गहलोत सोमवार को गंगापुर सिटी में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों के जिला स्तरीय कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में ये सब बोल रहे थे। आपको बता दें कि पूर्वी राजस्थान में सबसे कमजोर स्थिति में है फिलहाल बीजेपी। विधानसभा सीटों के लिहाज से देखें तो बीजेपी पूर्वी राजस्थान में सबसे कमजोर स्थिति में है। पूर्वी राजस्थान के 5 में से 4 जिले तो ऐसे हैं जहां पिछले चुनावों में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला है। वही पूर्वी राजस्थान के 5 जिलों में से धौलपुर जिले में बीजेपी ने 1 सीट जीती थी। यहाँ बीजेपी की टिकट पर शोभा रानी कुशवाहा जीतकर विधानसभा पहुंची थी। राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देने पर बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। अब देखना यह होगा कि क्या पूर्वी राजस्थान में परिवर्तन यात्रा पर भारी पड़ेगा ERCP का मुद्दा। नमस्कार।